रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं माघ मास में आने वाली अमावस्या, जो कि मौनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। जी हाँ मित्रों, 16 जनवरी को मौनी अमावस्या पड़ रही है और इस तिथि का हम और आप लाभ कैसे प्राप्त कर सकें, कैसे लाभ उठा सकें, तो इस तिथि पर कुछ विशेष उपाय करके अपनी समस्या को हम दूर कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मित्रों, जब तक आप उपाय नहीं करेंगे तब तक आपको समस्या का समाधान प्राप्त कैसे होगा। माघ मास की अमावस्या मौनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि अमावस्या तिथि पितरों के लिए बहुत शुभ होती है, पितरों के लिए बड़ी सुंदर होती है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, पितरों के लिए घर में बनाया हुआ शुद्ध सात्विक भोजन किसी ब्राह्मण को बुला करके उसको भोजन कराना चाहिए, गाय को भोजन देना चाहिए, कुत्ते को भोजन देना चाहिए और कौवे को भोजन देना चाहिए। ये पितरों के लिए ही होता है। मित्रों, दूसरी बात हम आपको एक और बताएं कि इस मौनी अमावस्या के दिन आपको किसी भी भूखे भिखारी को या भूखा व्यक्ति आपको दिखाई पड़ जाए, यदि आपके घर के पास में है तो घर से में जो भोजन बना हुआ है उसको आप भोजन कराइए, या रास्ते में कहीं दिखाई पड़ जाए तो पास में जो भी दुकान हो वहाँ ले जा करके उसको भोजन कराइए। वो जो भी वस्तु कहे कि हमको ये खाना है, आप उसको खिलाइएगा। गाय को हरा चारा डालें और मछलियों को आटे की गोलियां बना करके अमावस्या के दिन आपको जरूर से जरूर खिलाना है। शिव मंदिर में जाकर के एक लोटे में जल ले लीजिएगा, कुछ बिल्व पत्र ले लीजिएगा, बेल पत्र जो होते हैं उनको लेकर के भगवान शिव के ऊपर सबसे पहले जल को चढ़ाइएगा, फिर इसके बाद बिल्व पत्र को उल्टा करके रखिएगा, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप उस बिल्व पत्र को भगवान शिव पर समर्पित करें, भगवान शिव पर चढ़ाएं। इससे क्या होता है, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अमावस्या के दिन से यदि आप काम को कर रहे हैं और आपकी जन्मपत्री में काल सर्प दोष है तो वह काल सर्प दोष भी मित्रों दूर हो जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन ईशान कोण में अपने घर का, जो आपके घर का ईशान कोण हो उस कोण में, या जो आपने मंदिर बना रखा है उस मंदिर के पास में देशी घी का दीपक शाम के समय सूर्यास्त से पहले जलाना चाहिए। और उसमें बत्ती किस तरह की डालें इसका भी आपको ध्यान रखना है। अपने शरीर की लंबाई का धागा ले लीजिए, घर का जो मुखिया है वह अपने शरीर की लंबाई का धागा ले, धागा सूती होना चाहिए अर्थात सूत का होना चाहिए, और उसकी बत्ती बनाए, धागा जो है ये लाल कलर का होना चाहिए और सूत का होना चाहिए, मौली होती है इसकी भी बत्ती आप बना सकते हैं। गरीबों को दान देना चाहिए और इसके साथ साथ चांदी से बना हुआ नाग और नागिन का पूजन करना चाहिए, सफ़ेद पुष्प उनको अर्पित करना चाहिए, फिर इसके बाद पूजन करने के बाद में अमावस्या के दिन ही इनको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, जल में बहा देना चाहिए। इस तरह से काल सर्प दोष की निवृत्ति हो जाती है, काल सर्प दोष समाप्त होता है। अमावस्या को शाम के समय पीपल या बरगद जो भी पेड़ आपके पास में हो उसकी पूजा करें, और जाकर के शाम के समय पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे मित्रों आपको घी का दीपक जलाना है, गोल बत्ती रखना है, लंबी बत्ती नहीं करनी, इस बात का भी ध्यान रखना है। सुबह और शाम आटा बना करके पंजीरी होती है, पंजीरी को भून, आटे को भून करके और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला करके पंजीरी बन जाती है जिसको चूरमा भी बोलते हैं, तो वो जहाँ पे चींटियाँ हैं उन चींटियों को अमावस्या के दिन आपको ज़रूर डालना है। देखिएगा आपके सारे जो पाप हैं ये दूर हो जाएंगे, पुण्य उदय हो जाएंगे, आपका मंगल ही मंगल होने लगेगा। मित्रों, इसी मंगल कामना के साथ फिर हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।